आपने आदर के लिए कितना अच्छा बताया कि कितना अच्छे से होगा काम कर रहे हैं, 2 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, मतलब कितने बड़े पुण्य की बात है। तो इसके लिए मैं आनंद जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और हमारे साथ और एक सर जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको भी स्वागत करता हूँ जी। बताइए सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंडलिक दामोदर मेदगे। जी जी जी, कुंडलिक जी मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा चैनल का नाम है #gypsymusafir113। अच्छा, यूट्यूब में हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो अपने बारे में बताइए और कब से आप यहाँ इस डब्बा वाले से? मेरे को अभी इधर 22 साल हो गए, मैं ये टिफिन का काम कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं मलाड से टिफिन उठाता है और चर्च गेट तक लेके आता हूँ। मलाड से आप लेके आते हैं? मलाड से, मलाड ईस्ट में 8:30 बजे से सुबह शुरुआत होता है, 10:30 बजे तक स्टेशन पर आता है, मलाड स्टेशन पर, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के चर्च गेट आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं इधर चर्च गेट काला घोड़ा ये एरिया में मैं टिफिन सप्लाई करता हूँ। और जैसे आपने बोला मलाड से आते हैं, तो वहाँ से आपको आने में वहाँ भी 1 घंटा कितना टाइम लग जाता है फिर? वहाँ पे 1.5 घंटा लगता है टिफिन जमा करने को, लंबा रहता है ना जी, तो सब जगह भी घूम घूम के आना पड़ता है, ऐसा है। तो आपने भी तो 22 साल से कर रहे हैं, तो आपने भी काफ़ी बदलाव देखा होगा, क्या बदलाव देख रहे हैं आप अभी इसमें? कुछ बदलाव पहले तो, और अभी में अगर बोले तो पहला तो बहुत टिफिन था, और टिफिन का भी अभी बदली हो गया सब सिस्टमेटिक। अच्छा, और साइकिल पे आता था अभी कैसे आ रहे? पहला तो ट्रेन से बहुत तकलीफ होता था आने जाने में, अभी तो ट्रेन जरा बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा सा। अच्छा, मतलब पहले ट्रेन में जगह नहीं रहती थी ऐसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जगह नहीं मिलती थी, रोज झगड़ा झगड़ा करना पड़ता था ट्रेन में आने के लिए। अच्छा, इतना लगेज डब्बे में इतना सामान दबा चढ़ाने का बहुत मुश्किल का काम है वो। अच्छा, तो इतना भीड़ में चढ़ना बहुत, वो रोज कोई ना कोई साथ झगड़ा करना पड़ता है। अभी फिर कैसे करते हैं आप लोग? अभी भी अभी क्या है, गाड़ी बढ़ाया है तो थोड़ा भीड़ कम रहता है, इसके लिए कुछ अभी ज़्यादा तकलीफ नहीं, पहले जैसा तकलीफ नहीं। अभी अभी थोड़ा सा बहुत सा आराम मिल गया है, और टिफिन भी अभी कम हो गया है, पहले जैसे लोग घर का खाना खाते नहीं अभी। ऐसा है जी। हाँ, अच्छा, माइक दिया अभी यहाँ पे टिफिन का भी थोड़ा सा कम हो गया है, पहला बहुत टिफिन जाता था, पहला लोग घर का खाना खाता था, अभी लोग ज़्यादा करके बाहर होटल में फुटपाथ पे यहाँ पे खाना खाते हैं, इसके लिए घर का खाना कम आता है। अच्छा, मतलब लोग अभी बाहर का भी कंपनी अपनी से मंगवा कर भी खा लेते हैं? हाँ, वही भी करते हैं अभी, इसके लिए वो डब्बा अभी कम हो गया। अच्छा, ठीक है। और क्या बताना चाहेंगे आप? हमारे दोस्त देख रहे हैं आपको, पूरे दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, अच्छी बात है ना, आप सब लोग देख रहे हैं हमें तो। अच्छा, अंग्रेज लोग भी आते हैं यहाँ पर, फिल्म स्टार वगैरह भी आते हैं, आप लोग के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी अभी, लंच बॉक्स? हाँ, बनी लंच बॉक्स बनी, मुंबई का डब्बा वाला स्टार वगैरह। हाँ हाँ, मुंबई का डब्बा वाला एक मराठी फिल्म बनी है, इसमें भरत जाधव एक्टर है। अच्छा, और ये जो बाहर से लोग आते हैं मिलने के लिए टिफिन वाले के लिए, जी जी, उनको भी अजब लगता है कि ये डब्बा वाला कैसा काम करता है, ये एक ही टाइम पे सब जगह पे डब्बा कैसा पहुंचाता है, वो लोग देखने आता है यहाँ पे। जरा उधर हो जाए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं देख रहा था चर्च गेट में, विदेशी लोग भी आए, वो लोग देख रहे थे, फोटो ले रहे थे, और काफी उनको भी आश्चर्य लग रहा था, उनको आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है कि इनके पास ऐसा दिमाग कैसा है कि भाई जिसका टिफिन उसको ही जाता है, इतना टिफिन में किसी का बदली नहीं होता है, ये क्या सिस्टमेटिक है, वो लोग को समझ में नहीं आया अभी तक। तो वो उसका थोड़ा रहस्य खोल लें थोड़ा, वो कैसे हो जाता है? वही मतलब डब्बा बदली क्यों नहीं हो पाता है, एक ही जगह में कितना अच्छे तरीके से पहुंच जाता है, उसको थोड़ा क्लियर करें आप। नहीं नहीं, वो हमारा जो कोड नंबर रहता है ना, वो हमको मालूम रहता है, बाकी सबको किसी को मालूम नहीं पड़ता, वो हमारे जो कोड नंबर रहता है ना, उसके ऊपर बराबर जिसका टिफिन उसको ही मिलता है, और घर पे जाने के टाइम भी वैसा ही वो कोड पे टिफिन वापस उसके ही घर पे जाता है। तो पूरा 25 डब्बे के 25 कोड आपको याद रहते हैं आप लोगों को? हाँ हाँ, वो सब हमको याद रहता है ना, वो हमको याद नहीं रहेगा तो फिर 25 आप लोग लेके भी आते हैं वहाँ से, मतलब 25-50 डब्बे के तो ऐसे याद ही रखने पड़ते होंगे ना, उससे ज्यादा भी जो इतना आता है ना, वो सब लोग को हमको याद रखना पड़ता है। अच्छा, पूरा मतलब माइंड में दिमाग में पूरा दिमाग में रहता है हमारे विषय। जी जी जी, तो देखिए दोस्तों, हम लोग को सर एक बार फिर से अपने नाम बताएं एक बार। मेरा नाम कुंडलिक दामोदर मेदगे। तो दोस्तों देखा आपने, कुंडलिक दामोदर जी है यहाँ पर, बहुत इन्होंने अच्छा बताया, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैं बाद में इन सबको मैं चैनल भी बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़े हैं, प्लीज़ आप पकड़िए माइक से।
अभी इसका नहीं चाहिए, अभी मेरा चाहिए खाली एक ऐसा, मेरे को गेट आउट गेट आउट करना था और लिप फॉर्म नहीं चलो गेट आउट गेट आउट उसके जगह पे जाओ उधर गेट आउट नहीं नहीं बैठो आप इधर ही बैठो आप उधर जाओ सर रास्ता क्रॉस होएगा ए कमली सरकना उधर चल हाय नमस्ते मेरा नाम शंकर सोमाजी धुमाल है तो आपको कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं नहीं आप बताइए डब्बा वाला से कब जुड़े कब से जुड़े हुए हैं आप डब्बा वाला एक्चुअली ये डब्बा वाला सर्विस है वो 1980 से स्टार्ट हुई है और महादु बच्चे उन्होंने शुरुआत की है और ये जो मेरा है आप मुझे सवाल किया आपने कि आप कब से जुड़े हो ये जो बिजनेस है मेरे अंकल यानी मेरे काका है वो अभी गांव में है तो उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके बाद मेरे पापा फिर भाई फिर अब मैं हूँ मेरे ख्याल से 75-80 ईयर्स ओल्ड हो गया है तो मुझे 10 ईयर काम कर रहे हैं मुझे 10-12 साल हो गया मुझे अच्छा अच्छा अभी काम कर रहा हूँ कौन से एरिया से आते हैं आप बैंड्रा बैंड्रा से आते हैं बैंड्रा से आता हूँ कौन से एरिया में आपने सप्लाई किया शेयर मार्केट चर्च गेट और आपको लोग देख रहे हैं तो डब्बा वाला के बारे में आप थोड़ा सा बताइए और क्या बताना चाहते हैं जो ये जो मुंबई डब्बा वाला है ये सारे देश में सारे वर्ल्ड में फेमस हो गई है सुप्रसिद्ध हो गई है जैसे कि एग्जांपल उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ चार्ल्स प्रिंस जो आए थे तो उन्होंने स्पेशल फॉर मुंबई डब्बा वाला को मिलने के लिए इनवाइट किए थे और उन्होंने फिर चर्च गेट आके ए जरा 2 मिनट थामा ना यार मेरा प्रॉब्लम होते कोई बात प्रिंस चार्ल्स हाँ चार्ल्स प्रिंस आए थे तो उनको भी स्पेशल फॉर डब्बा वालों से मिलना था कि ये क्या है कैसा है किस तरह से ये लोग काम करते हैं और वो भी टाइम टू टाइम और अलग अलग कोडिंग है अलग अलग बैग्स है ये क्या है कैसा है वाह वो दो देख के ही उन्होंने मुंह पे हाथ रख दिया बोले कैसा सिस्टम है एकदम अमेजिंग है सबसे अलग है देश में है हाँ धीरूभाई अंबानी है या फिर कोई भी ABCD जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो व्यापार कर रहे हैं बट सबसे अलग है जो हटके मतलब या इसमें कोई किसका बंदेला नहीं है हर कोई अपना अपना मालक है मुकदम है और हर कोई अपने अपने दिमाग से काम करता है वो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट क्या है सेम टू सेम काम करना है टाइम टू टाइम काम करना है तो इस वजह से डब्बे वाले इनवाइट भी किया था मुंबई डब्बा वाला और कारण क्या है चार्ल्स प्रिंस आए थे तभी भी उन्होंने यही सवाल किया था सेकंड कि आप कैसे करते हो सेकंड शादी है क्या है जो डब्बा है इस पे अलग है आ जाइए हमारे साथ तो ये क्या है जरा मुझे आप स्पेशल फॉर मुंबई डब्बा वालों के लिए हमारे रघुनाथ अलग से उधर से आदमी भेजे थे और 15-16 साल तो हमारे एसोसिएशन के लोग हाँ आने जाने में सुविधा फ्री है और ऊपर से उनका सत्कार भी किया वहाँ पे तो हमने शालू होती है जो वो दिए थे हमारे एसोसिएशन ने और उनको ऐसा टोपी और ऊपर ऐसा वो देते कटवर वो दिए थे तो उनका वैसा सत्कार किया था और आपको कुछ पूछना है क्या जी बाकी नहीं आपको और कुछ बताना है तो कैसा लग रहा है आपको डब्बा वाला आप में काम करते हैं तो कैसा लगता है एक मिनट उनको जाने दो कैसा लगता है आपको डब्बा वाला काम बोलना आसान है बोलना आसान है डब्बा वाला काम देखना आसान है वेरी अमेजिंग वेरी जॉब बट जो एक दिन सिर्फ आप एक दिन करके देखो आप दूसरे दिन सुबह उठ ही नहीं पाओगे बोलेंगे क्या है ये लोग कैसे करते हैं ओ मेरे पैर दुखने लगे मेरे हाथ दुखने लगे मेरा सिर दुख रहा है मेरे को बुखार आया मैं कल काम नहीं जाऊँगा मैं कल नहीं जाऊँगा मैं परसों नहीं जाऊँगा मैं 4 दिन नहीं जाऊँगा ये जो काम है ना बहुत रिस्की है बहुत हार्ड है क्या नाम बताया सर आपने तुम बात करो पागल है नाम बताइए नहीं आप बात करो माय नेम इज शंकर डब्बा वाला हाँ तो दोस्तों आपने देखा शंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रिंस चार्ल्स जी आए थे कितने हैरत हो गए थे आश्चर्य हो गए थे बताया और मैं हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ ताकि मैं बाकी दोस्तों से भी मिलूँ और मैं आपको भी चैनल बताऊंगा
आप हमें देखिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं, नहीं एक एक करके बैठिए, आप नहीं चाहते नहीं नहीं इसका 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 हाँ आत्मा जी के बाद हम लास्ट में आएंगे। आइए 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 आइए, कुछ नहीं, इधर आइए इधर आइए, आज से कोई बस हो गया, कितने दिन लेंगे? अरे आपसे तो मैं पूरा सबसे पहले मिला था, तो आपके लेना जरूरी है, इधर लेकिन इधर आना पड़ेगा, कैमरा इधर है, मैं इधर आया था, आप वहीं जोड़ा इतना थोड़ा बोला है ना, बड़वाट ना था, हाँ आज बोलो गेस्ट जुड़ चुके हैं सर, आपका नाम बताएं। देवीदास महादेव शिंदे। तो दोस्तों देवीदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि मेरी मुलाकात इनसे लोकल ट्रेन में हुई थी 2 से 3 दिन पहले, उससे मैंने पूछा था कि कैसे आप लोग वर्किंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा भेंट हुआ है। तो सर प्लीज बताइए अपने बारे में, कब से आप जुड़े हुए हैं डब्बा वाला? मैं 26 साल रनिंग में हुआ, अभी 26 साल हो गए मेरे को, तो अभी मैं 94 से था, तो मेरा पिताजी था, फिर उसके बाद मैं आया, ऐसा हमारा रोलिंग चालू है, अभी तीसरी पीढ़ी हूँ मैं, थ्री अच्छा, दादाजी पिताजी और फिर उसके बाद मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा अभी कम से कम 70-80 साल से हमारा बिजनेस चालू है, मतलब आपके घर में 80 साल से आप लोग? हाँ हाँ 80 साल से, अच्छा, हमारा कोई ना कोई आदमी ये टिफिन लाइन में है। जी जी जी। और कैसा लगता है आप लोगों को इतना? कैसा लगता, अच्छा लगता है हमको सेवा भी। मैं विले पार्लर से आता हूँ। हाँ विले पार्लर से इकट्ठा करते हैं हम लोग, फिर हर रूट का एक एक आदमी रहता है, तो फिर हर स्टेशन पे एक एक आदमी उतरता है हमारा, और पूछो आप, मैं वो बताता हूँ। और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग, मतलब जैसे मुझे जानकारी मिली है, लेकिन आपका क्या विचार है कि एक साथ इतने, मतलब लाखों डब्बे जो आप लोग सप्लाई करते हैं, कोई गलती नहीं होती है? गलती अच्छा नहीं, नहीं गलती होने का हमारा कोड नंबर एकदम रिजनेबल रहता है, वो कोड नंबर के हिसाब से कभी गलती नहीं होती, जिसमें कोड नंबर नहीं रहेगा तो उससे हम लोग कॉन्टेक्ट भी रखते हैं, भले किसका अभी मोबाइल लाइन हो गया, अच्छा, तो कॉन्टेक्ट से हम पूछे भी करते भाई, अच्छा, इस पे कोड नंबर नहीं है, किधर का है क्या है, हम लोग कॉन्टेक्ट से भी बराबर हो जाता है, कहीं अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग मोबाइल से उसको फोन कर, कोड नंबर को याद कैसे रख पाते हैं आप लोग? तो हम लोग अभी डेली हो गया ना, डेली का सर्विस है हमारा, अच्छा, तो हम लोग उसको सिखाया जाता है ना, हम लोग को भी, पहला आदमी जो स्टार्ट में आता है उसको 10-15 दिन महीना भर वो सीखने को जाता है। अच्छा, उसको ट्रेनिंग वगैरह आप लोग देते हैं? आप लोग? हाँ, ट्रेनिंग कम से कम एक महीना ट्रेनिंग होता ही है उसमें, तो इसको एक महीने सीखते सीखते प्रॉपर उसको जरा पूरा सीखने के लिए कम से कम 6-7 महीना जाता है, मतलब पूरा मतलब कंप्लीट होने के लिए, पूरा मतलब उसको तुम कहाँ पे भी उसको छोड़ेगा तो कहाँ से भी आ जाएगा वो, ऐसा नया आदमी है ना एकदम प्रॉपर होता नहीं है पूरा, जब भी उसको 6 महीना लगता है, एक बार अभी स्टार्ट में अपन आएंगे तो उसको किधर उतरना क्या है वो मालूम नहीं पड़ता, अच्छा, तो उसको जरा एक बार थोड़ा 4-5 महीना पूरा होने के बाद तो वो कहाँ पे भी जा सकता है, ऐसा होता है। आप लोग का छुट्टी हफ्ते में एक दिन संडे को तो रहता संडे ही है। सैटरडे और बड़ा हॉलीडे, बड़ा हॉलीडे गांधी जयंती हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, दशहरा, जो बड़े बड़े त्यौहार रहते हैं ना उसका हॉलीडे रहता है। और आप लोगों की सप्लाई मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह भी जाती होगी? सब जगह सर, कोई किसका किसका प्रॉब्लम नहीं, अच्छा, किधर भी आप भेज सकते हो, दुकान में आप रोड पे भी किसको भी दे सकते हो, जो जहाँ बोलेंगे वहाँ पे, अच्छा वहाँ आप लोग? हाँ बिल्कुल सप्लाई हो, कस्टमर का सिर्फ अपने को सर्विस देना है बस, वो जहाँ बोलेगा वहाँ पे मिलेगा। और आप लोग के ऊपर तो काफी फिल्में भी बनी है, फिल्म? हाँ फिल्में बनी है, ऑल्टरडाइज में भी है, या और बहुत जगह गए हुए, ऑलरेडाइज भी हो दिया हमारी, टीवी पे ऑलरेडाइज आती है, ऑलरेडाइज करते भी हम लोग, ऑलरेडाइज भी करते हैं। मैं थी द लंच बॉक्स, वो आप लोगों ने देखी थी? हाँ देखी हुए, उसमें मैंने देखा था कि एक दूसरे व्यक्ति को डब्बा पहुंच जाता है, अगर आपको याद होगा डब्बा किसी और का है लेकिन किसी और को पहुंच जाता है। नहीं वो फिल्म में कभी भी सही नहीं रहता, जो जो आदमी काम करता है वो सही रहता है फिल्म में, क्यों उन लोग ऐसा शॉर्टकट निकाल देना, हाँ हाँ। तो प्रॉपर वो बराबर नहीं रहता, वो तो फिल्म का स्टोरी बना, हाँ स्टोरी कुछ भी हो स्टोर पिक्चर के हिसाब से, और जो काम करते वो हिसाब अलग है उसका। जी, जी, जी। हम लोग से 100 में से बहुत करके एक आधा गलती हो जाएगा, 100 आदमी से एक जन का, ओके। वो भी वो नया रहेगा, वो
भी नया लगा। जो पॉपर 20-25 साल से काम करता होगा ना, उससे गलती वो जानबूझ के करेगा तो ही होएगा, नहीं तो गुंजाइश नहीं है। हाँ, जानबूझ के करेगा ना, दुश्मनी करेगा ना, तो ही गलती होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, नहीं तो गलती होएगा, यही चांस ही नहीं है। गलती करेगा तो गलती होएगा। अच्छा, कोई गलती करेगा तो होगा। हाँ, नहीं तो गलती नहीं, चांस नहीं है। अभी वो गांधी जी हमारे देखो, नहीं हम कभी गलती नहीं किया है, वो उनसे बात करो। हमारा सीनियर है वो आदमी, लेकिन समय ठीक है। सर एक बार आप फिर से नाम बताओ। महादेवीदास महादेव शिंदे। तो दोस्तों, मैं अपने हमारे चैनल हैशटैग जितनी मुसाफिर 113 की तरफ से देवीदास जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग बहुत स्पेशल पर्सन आत्मा जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा जी के साथ ही आया हूँ और सबसे मिला हूँ मैं। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं दोस्तों। ये ऐसे रहेंगे, ठीक है सर। तो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे ट्रेवलिंग चैनल हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113 में। और मैं बहुत स्पेशल व्यक्ति आत्मा जी के साथ हूँ और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इनकी मदद से मैं यहाँ आया। और मैंने डब्बा वाला एसोसिएशन के काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों से हम लोग मुलाकात किए और उनके हुआ और अब उनसे मैं माइक देता हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर, अपने बारे में प्लीज़ आप थोड़ा। मैं वो ले लेता हूँ, यहीं देखिए, यहाँ से लेता हूँ। ठीक है ना, ये दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है सर, सब दिख रहे हैं। हाँ बोलिए सर, उधर आ जाओ जी। सर बोलिए सर, आत्मा जी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आत्माराम बच्चे, मेरे को 17 साल हो गए हैं ये टिफिन के लाइन में। मैं हमारे जो दादाजी के दादाजी थे माधु हाउजी बच्चे, टिफिन का उसने पहले से चालू किया है। अच्छा। तो 128 साल हो गए उनको। मतलब 128 साल से आपके परिवार वाले ही सेवा देते आ रहे हैं। सब सब परिवार वाले से। आप कहाँ से आते हैं सर? ये मैं मेरा रोड से आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी आप पूरा फोर्ट एरिया आप कवर करते हैं? हाँ, फोर्ट एरिया कवर करता हूँ। तो काफ़ी सेवा वाला काम है, तो मैं भी आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा अनुभूति होता है, मतलब लोगों से आप लोगों का अच्छा एक रिलेशनशिप भी बन जाता है आपका अच्छा एक। अभी इतना इधर फोर्ट में मेरे को 10 साल के ऊपर हो गया था, सबके साथ कस्टमर के साथ पहचान हो गई, तो उनका और हमारा रिलेशन अच्छा तरह से। त्यौहार वगैरह में कुछ लेट हो गया टाइप, ये हम लोगों को कोई बोलने वाला नहीं, कभी भी आओ अच्छा है बन जाते हैं, प्रेम जैसा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो ये टिफिन के लाइन में हम लोगों को अच्छा लगता है, कंपनी में जॉब करने से अच्छा। तो ये अच्छा कुछ नहीं, किसी के पास नौकरी नहीं करा, आप खुद का राजा, नौकरी करेंगे खुद का, नहीं खुद को ऊपर बॉस रहेगा मिलता है, वो बोलते रहेगा 10-12-15 हज़ार रुपए मिलता है उसमें, अच्छा हम लोग खुश है। और पेमेंट आप लोग, मतलब हम लोग कस्टमर के पास से लेता है, एक टिफिन का पैसा 1000 रुपए लेता है। तो पैसा फिर आप लोगों को कितना, मतलब सब इकट्ठे एसोसिएशन में जाते हैं फिर वहां बटता है? एसोसिएशन में नहीं जाता है, हम लोगों का ग्रुप रहता है, 10 आदमी का 20 आदमी का 30 आदमी का 40 आदमी का ग्रुप रहता है। तो बैठिए सर। तो ग्रुप के हिसाब से सबको, जब 40 आदमी रहेगा सबका, 40 आदमी का सब पैसा इकट्ठा करके फिर 40 जन को सेम पैसा। सेम पैसा आएगा, बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं रहता। तो जो कोई नया आया जूना आया तो भी बराबर सेम। अच्छा अच्छा। नया रहेगा जूना रहेगा उसको भी उतना पैसा मिलता है, हम लोगों को भी उतना मिलता है। और काफी सर यहाँ पे मैंने देखा अंग्रेज लोग आ रहे थे, मिल रहे थे आप लोगों से, तो कैसा लगता है? अंग्रेज लोग आते हैं आप लोगों को फोटो देखते हैं, मिलते हैं, वीडियो निकालते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है वो, अभी वो लोग, उन लोगों को कितना भी, बहुत बार आ चुके हैं वो लोग, एक एक ऐसा फॉरनर 3-3, 4-4 बार आया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सिस्टम कैसा है क्या है, उनको नहीं समझता है। लेकिन हम लोग समझने का, वो लोग हमारे साथ भी घूमते रहते हैं, देखते हैं वो लोग, अच्छा लगता है उनको भी कि डब्बे वाले का सर्विस अच्छा है, लेकिन उन लोगों को नहीं समझता है कैसा है क्या है। बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं कि कैसे इतने बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। और आप जैसे बताया कि 120 साल से आप लोग सेवा दे रहे हैं आप लोग,
और आप लोगों का ग्रुप अभी जैसे भी आप लोगों का ग्रुप इतने लोग हैं कि और भी लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं एक साथ? यहाँ पे हम लोग आठ नौ जन आदमी लोग खाना खाते हैं। आज कम लोग आए इधर खाना खाने को। हाँ, तो आठ नौ आदमी लोग हम लोग खाना खाने को आते हैं। तो दोस्तों, मैं आत्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे चैनल की तरफ से, और हम लोग डब्बा कलेक्ट करने जा रहे हैं, हम लोग मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा हमने डब्बा सप्लाई कर लिया और हम लोग यहाँ डब्बा कलेक्ट करने जा रहे हैं और सब लोग अभी तक खाना खा लिए होंगे। देखिए आप कैसे हम लोग डब्बा। अच्छा, वो डब्बा ले लिया सबका? अच्छा तो दोस्तों देखा आप, अभी 1:45 बज रहे हैं, हम लोग 12 बजे से निकले हुए डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, खाना भी खाया है और अब हम लोग कलेक्शन करने जा रहे हैं। और लंच के टाइम है इसलिए आप देख सकते हैं लोग सब लोग हैं यहाँ। तो आत्मा जी यहाँ तो नहीं आए थे हम लोग उस समय? यहाँ दूसरा आदमी ने छोड़ा था डब्बा। अच्छा, लेकिन वो इधर नहीं आता है ना वापस। अच्छा, तो उसका डब्बा अपन लेने का। और अपना डब्बा? अपना डब्बा तो लेने का है, अपना भी लेने का, इनका भी लेने का बोल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शेयर मार्केट। अच्छा अच्छा, दोस्तों देखो शेयर मार्केट के सामने हम लोग एरिया में हैं जहाँ हम लोग कलेक्ट करने जा रहे हैं डब्बे को। कौन से माले जा रहे हैं भैया? हम लोग पहले माले में हम लोग जा रहे हैं कलेक्ट करने। देख सकते हैं दोस्तों खाना खा चुके हैं अभी ये लोग, हो गए खाना इनका, है ना। और हम लोग अभी खाली डब्बा हम लोग जो है इकट्ठा करके जा रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग 25-30 डब्बे इकट्ठा करेंगे और फिर हम लोग पहुंचेंगे चर्च गेट, जहां पर ओरिजिनल जो जगह है वहां पहुंचेगा सारे डब्बे। ये दोस्तों शेयर मार्केट, आप देख सकते हैं जो आप लोग देखते रहते हैं न्यूज़ चैनल पे। और अभी लंच के टाइम में इसे काफ़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर वो वर्किंग करता है जो व्यक्ति, उसी का था। अच्छा, देखा तो दोस्तों दुकान से भी हमने बॉक्स लिया हमने। दोस्तों देखिए खाने के बाद बस सामने गेट में डब्बा रखा जाता है और किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है,
और डब्बा उठाए और अपन निकले। इतना शानदार तरीके से ये मैनेजमेंट है। यहाँ हमने 4 डब्बे रखे हैं और दोस्तों इधर अपने यही अभी ऑफिस हम लोग आए थे जहाँ डब्बा हम लोग रख के गए थे और यहीं से देखो कैसे कलेक्ट करेंगे। ये सामने आपको दिख रहा डब्बा, वहाँ से लिए और वापस आ गए। ये देख सकते हैं आप, बाबा का उन्होंने आशीर्वाद लिया फिर से। और बाकी डब्बे इकट्ठा करने चल पड़े हैं हम लोग। याद हो गए यहीं पर हम लोग आए थे जहाँ हमने साइकिल रखी हुई है। और ये सारे डब्बे तो ये सब मतलब वो भैया ला के छोड़े हुए हैं। अच्छा, एक घर से 1200 रुपये चार लेते बोले ना घर वाले। 1100 थोड़ा दूर जगह के हिसाब से थोड़ा तो देखा दोस्तों अभी। हाँ, देखा दोस्तों अभी सारे डब्बे सब लोग खाना खा चुके हैं और अभी इसको हम लोग साइकिल में जमाएंगे और जमाने के बाद फिर से हम लोग चर्च स्टेशन जाएंगे। वहाँ से फिर छटनी होगी, छटनी होगी फिर जो जहाँ से आया डब्बा वो वहाँ पहुँचेगा। तो मैं आपको पूरा चर्च गेट तक लेके जाऊँगा छटनी तक, वहाँ हम लोग फिर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप हमारा चैनल देख रहे हैं #gypsymusafir113। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और हमारा चैनल इन एसोसिएशन विद एजुकेशन चैनल #rawsir113। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हमारे डब्बा वाला की वर्किंग समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से मुझे क्लियर हुआ है। काफ़ी कोड्स रहते हैं, जैसे L है तो वो ग्राउंड फ्लोर है, 0 है तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे, वी है तो विरार है, बी है तो बोरे भी नहीं है। दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे ट्रेवलिंग चैनल #gypsymusafir113 में। और आप देख सकते हैं हम लोग 25 डब्बे हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुके हैं और सारे डब्बों को भी साइकिल में बांधा जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए कवर करता हूँ। और ये सारे डब्बों को हम लोग फिर से चर्च गेट लेके जाएंगे, वहाँ पर छटनी करेंगे और जिस जगह से जब डब्बा आया है उसको वहाँ पर सप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति, एक डब्बा वाला भैया को एक घर में 2 बार जाना पड़ता है। और जैसे अभी हमने जानकारी हमें पता चला, काफ़ी अभी डब्बा वाले भैया अभी मिले, उन्होंने बताया कि 2 लाख लोगों को खाना पहुँचता है। तो कितनी बड़ी बात है, 2 लाख परिवार को खाना, 2 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं। और इससे पहले उससे ज़्यादा भी लोगों को सप्लाई होता था जब तक मील हुआ करते थे, जैसे बता रहे हैं कपड़ों की मील थी यहाँ। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। जैसी फिट हो जाता है तो हम लोग, मैं रियर वाला कैमरा चालू करूँगा और हम लोग फिर वापस चलेंगे चर्च गेट। तो दोस्तों सारे डब्बों को फिर से जमा दिया गया, आप देख सकते हैं।
और हम लोग फिर से जाने वाले चर्च गेट में, वहाँ मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कैसे छटनी की जाती है। और कैसे वो अपने अलग अलग जगह में पहुँचने वाला है। और आत्मा जी, आप लोगों का एक हाजी अली के सामने मूर्ति भी लगाया है, देखा आपने? डब्बे वाले का कब लगाया वो डब्बे को, मूर्ति को? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता होगा आप लोगों को लगाया तो। वहाँ चलिएगा तो दोस्तों, फाइनली हम लोग फिर से निकल पड़े हैं, खाना सब लोग खा चुके हैं और चर्च गेट में वहाँ ये आप देख सकते हैं सारे डब्बे हैं और सारे डब्बों को भी अलग अलग छटनी किया जाएगा और छटनी तक हम लोग यहाँ आत्मा जी के साथ रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कैसे डब्बा वाले काम करते हैं और कोई भी गलती गुंजाइश नहीं होती है। और कोई डाउट हो तो आप ये हमारे वीडियो को जरूर 2 से 3 बार जरूर देखें। और क्योंकि अभी साइकिल पकड़े हैं, बैलेंस बनाए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अभी आत्मा जी से बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रैफिक भी ज़्यादा है, हम लोग को ध्यान देना है। तो काफ़ी क्या लंच का समय है, इसलिए काफ़ी गहमा गहमी है। लंच का टाइम है इसीलिए काफ़ी भीड़ है, हम लोग को देख के जाना होगा। और हम लोग जहाँ से आए थे वहीं से हम लोग जाने वाले हैं। फ्लोरा हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। काला घोड़ा एक है ये, तो आप लोग देखे शेयर मार्केट एरिया, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन रहा डब्बा वाला भैया का, आत्मा जी का। ट्रैफिक रहता तो काफ़ी आपको देख के आना पड़ता होगा गाड़ी से। ट्रैफिक रहता है तो दिक्कत होता है ना, तो थोड़ा दिक्कत लेट हो जाता है थोड़ा। अच्छा, और क्या गाड़ी वाले भी थोड़ा तेज वेज चलाते हैं तो थोड़ा सा सिग्नल देख के चलना पड़ता है क्योंकि अपन तो नो एंट्री से जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, तो डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं? मतलब इन लोग, हम लोग नो एंट्री थे तो पकड़ते नहीं इन लोग? हम लोगों को नहीं। अच्छा, ओके।
देखा दोस्तों कैसे ट्रैफिक में हम लोग 25 डब्बों को एक साथ रख के जाया जाता है। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों चर्च के डिसीजन की ओर। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा फाउंटेन साफ साफ दिख रहा है, ये भी मैंने कवर किया हुआ दोस्तों हमारे एक वीडियो में, जरूर चेक करें। मुझे नहीं कमाना है लेकिन आप साइकिल पे जाता हूँ। अच्छा, आप वहाँ से क्रॉस करके सीधा आ जाए, वहीं पर पहुँचता हूँ मैं। ठीक। अच्छा आप चलाते में हो जाएगा बन? अच्छा, ठीक है, वहीं मिलता हूँ मैं आपको। तो देखा दोस्तों आप मुझे निकल गए, हम लोग वहाँ जाके मिलते हैं उनको। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर अब चटनी होने वाली है और चटनी शुरू हो गई है, तो वो भी आपके लिए मैं कवर करता हूँ। देख सकते हैं डब्बे एक साथ आए हैं और हाँ, ये चटनी हो रही है यहाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। मेरा लिया था ना? लिया मैं। ये हमारे साथ शंकर जी है, देखिए कैसे चटनी कर रहे हैं। अभी हमने इनका इंटरव्यू लिया, आपने देखा होगा, सभी भैया लो हैं। थैंक यू। हाँ नहीं अभी हूँ ना मैं। तो ये देखिए डब्बा का कैसे चटनी किया जा रहा है, वहीं पर कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहीं पर आए थे हम लोग, डब्बा बांद्रा का अलग, बोरीवली अलग, देख सब्बा सब खाली एक साथ आया, डब्बा खाली हो गया, डब्बा एक एक जगह में जैसे एक साथ आया हुआ है और एक एक अलग अलग जगह में वो एरिया वाइज जाएगा, लोकल स्टेशन वाइज जाएगा। जैसे बोरीवली है तो बोरीवली वाले एक साथ। जैसे ये डीएन रोड एरिया का है, अंधेरी तरफ जाएगा तो ये अंधेरी वाला समझ सकते हैं। ए लिखा हुआ है सब में, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ए लिखा हुआ है, ए फॉर अंधेरी। और अलग अलग इनके कोड हैं, सारे कोड इनको याद भी रहते हैं। आ गए शूट हो रहा है, शूट हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फाइनली ये आधा घंटा सब लोग क्या कर रहे हैं, लोकल स्टेशन तरफ जा रहे हैं और वापस जो ट्रेन बैठ के फिर सब घर में जाना है, तो वहाँ भी उनको दो घंटे और लगेंगे अलग अलग स्टेशन जाके और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो दोस्तों फाइनली मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे ट्रेवलिंग चैनल #Dixon Survey 113 इन एसोसिएशन विथ माई एजुकेशन चैनल #Rao Sir 113। और मैं हूँ आपका दोस्त सुशील, और हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने डिम सिटी का बहुत फेमस जगह कवर किया डब्बा वालों के साथ पूरा एक दिन, और आपने देखा कैसे छटनी करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे सप्लाई करते हैं वापस, फिर कैसे वहाँ से लेके आते हैं, अब यहाँ से हम लोग फिर से घर जाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इतना अच्छा शानदार मैनेजमेंट है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, इसलिए इन्हें कहते हैं 6 दिन कमी कहा जाता है। तो और अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो जो लोग मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि एक केस स्टडी के रूप में भी ये रहता है कि इतना अच्छा इनका मैनेजमेंट क्या है, कैसे है। हम आइए सर, किसके साथ ऑनलाइन है? ऑनलाइन नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग है। आइए सर बोलिए, हमारे साथ है, किसके साथ आदमी था वो किधर है? आया साइकिल रखने गए। अच्छा बताइए सर, आप भी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों हमारे साथ हैं जयदास,
जयदाद जी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने ही मुझे आत्मा जी से मिलवाया और काफ़ी अच्छे हमने डॉक्यूमेंट्री कवर किया, तो मैं इनके भी व्यू जानना चाहता हूँ। सर आप भी प्लीज बोलिए, क्या बोलना है जी, बताइए सर आप कब से हैं डब्बा वाले एसोसिएशन में? मैं 15 साल से हूँ। अच्छा, और कैसा लगता है यहाँ पर, कितने लोगों को आप सप्लाई करते हैं एक दिन में? एक दिन में 20-25 आदमी लोग को खाना पहुँचाते हैं हम लोग। और आप एक आदमी, आप कौन से एरिया से आते हैं? ताड़देव से आता हूँ। वहाँ पहले आप कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ वहाँ से डब्बा लेता हूँ भरा हुआ, यहाँ पे नरीमन पॉइंट देता हूँ। और कितने डब्बे मतलब टोटल सब सप्लाई कर पाते हैं? एक आदमी 20-25 डब्बा पहुँचा। वैसे में टोटल में अगर करते होंगे तो कितना हो जाता होगा? बहुत सारे मिनिमम एक दिन में 5 लाख डब्बा टर्नओवर होता है आगे पीछे। अच्छा, सब डब्बा वाला बम्बई का जी। और टाइम पे बिल्कुल आप लोग आया अभी हमारा 5,000 टोटल आया है, तो 2 लाख पर डे डब्बा लंच पॉक डिलीवर वन दिन जी जी। और काफ़ी अभी मैं देखा था काफ़ी अंग्रेज लोग भी यहाँ आए हुए थे। हाँ आते, मुलाकात करते रहते हैं आप लोग से? तो बहुत सारे थे, हर दिन आते हैं वो लोग, हर दिन आते हैं। सुबह कितना जोर हुआ, क्या बात? एक ऑफिस आई भाग गई, क्या बात कर रहा है यार, मेरे को थोड़ा तो देने का ना। इधर आइए, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अंग्रेज लोग भी आते हैं तो काफ़ी यहाँ पर आप लोग से मिल के जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है जी जी जी। और हमारे मेहमान हैं, मेहमान हैं आपके, प्रिंस चार्ल्स भी आए थे यहाँ पर, जैसे मुझे जानकारी हुई है। तभी हम नहीं थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, दूसरी जगह काम पे थे, ये लाइन में नहीं थे हम। इससे पहले कहाँ पर थे आप? मैं जॉब करता था कपड़े की दुकान में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो आप मतलब खुद के बॉस हैं, अब तो किसी जॉब नहीं है, तो खुद का अपना? नहीं, हमारा ये ग्रुप है यहाँ का ग्रांड रोड का, वहाँ से हूँ मैं, ग्रांड रोड के ग्रुप से हूँ। अच्छा, हर स्टेशन का ग्रुप रहता है हमारा। अच्छा, तो ये ग्रुप फिर क्या करते हैं सब मिलके, सब लोग यहाँ पर एक ही करके आते हैं? नहीं, अलग अलग एरिया में आदमी जाते हैं। जी जी, हर स्टेशन में हमारा बंदा रहता है हमारे ग्रुप का। जी जी, और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे डब्बा वालों के बारे में? आपका परिवार है, एक सेवा का काम करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, खाली दुआ है उनकी बस, बाकी कुछ नहीं। जी जी जी, और धूप वगैरह में, सॉरी सर, धूप वगैरह में कैसे करते हैं? काफ़ी अभी जैसे गर्मी पड़ने वाली है, या बारिश हो, ठंडी हो, कोई भी सीज़न हो, और सीज़न में वही। ओके, और बारिश के समय तो काफ़ी जैसे फिर क्या रेनकोट वगैरह पहन के आप लोग? हाँ, हो जाता है रेनकोट से भी। जी जी, और आप लोगों को छुट्टी भी नहीं मिलती जैसे मुझे जानकारी है, तो कैसे करते हैं? छुट्टी रहती है ना संडे के दिन। नहीं नहीं नहीं, जैसे अचानक आपको एक हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ गया हमारी जगह पे, हमारा दूसरा आदमी रहता है। अच्छा, तो उसमें आ जाते हैं, सब मालूम रहता है उनको भी, सारे कोड्स वगैरह सब याद रहता है, मालूम रहता है, तो काम मतलब रुकता नहीं है? रुकता नहीं। जी जी जी, और आप तो 15 साल से हैं, तो क्या आपने बदलाव देखा जब आप चालू किए थे और अभी? पहला कैसा था, पहला समझो काम ज़्यादा था, अभी काम कम है। अच्छा, काम ज़्यादा था, क्यों, कैसे मतलब? कोई कोई लोग अभी समझो किसी का उम्र हुआ है, वो लोग पैदल चलते, अभी अच्छा। हमारे पास साइकिल है तो हमको कुछ मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, दिन भर साइकिल चलाना पड़ता है, जिनको साइकिल नहीं आता है वो लोग पैदल चलते हैं। अच्छा, पूरा काम वो लोग का, पहले वो लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लोग पूरा पैदल जाके फिर पैदल, जितना हम साइकिल में भागते हैं उतना वो पैदल से भागते हैं। अच्छा, इसके लिए मतलब अभी हम लोग क्या है, साइकिल से पूरा काम करते हैं। जी जी, और जयदाद जी मतलब इतने सालों से आप उनसे जुड़े रहते हैं, तो एक एक तरह से परिवार भी बन जाता है वो? हाँ, परिवार है हमारा, पूरा डब्बा वाला सब परिवार है। हाँ, नहीं नहीं, और जिन लोगों को आप सप्लाई करते हैं उन लोगों से भी अच्छा है? अच्छा रिलेशन है, रिलेशन बन जाता है, तो त्यौहार वगैरह में या समारोह में भी मतलब मिलना जुलना रहता रहता, हाँ, रहता है जी। और आप लोगों के ऊपर तो काफ़ी फिल्में भी बनी हैं, तो क्या फिल्म स्टार वगैरह से भी आप लोगों की मुलाकात वगैरह होती है? हाँ होती है, जैसे वो लोग आते हैं ना मिलने के लिए यहाँ पे कभी? कौन कौन से फिल्म स्टार से आपकी मुलाकात हुई होगी? मेरा किसी से नहीं हुआ एक मुलाकात, हमारे जो ये अध्यक्ष लोग हैं, अध्यक्ष लोग उनके ऑफिस वगैरह प्रोग्राम में जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेक्चर वगैरह देते हैं वो लोग, वहाँ पे वो लोग को मिलते हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं वो लोग के। जी जी, तो दोस्तों देखा आपने, कुछ बोलना है आपको? तो देखा दोस्तों, हमारे साथ जयदास हैं, मैं उनको हमारे ट्रेवलिंग चैनल #gypsymusafir113 से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो मिले और उन्होंने मुझे आत्मा जी से मिलवाया और हमने काफ़ी अच्छा कवर किया हुआ है। और मैं इनको बताऊं सर, हमारा YouTube चैनल है, मैं आपको भी चैनल का नाम भी बताऊंगा मैं, उसमें ये आएगा, एक हफ्ते के बाद हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैं इनको भेजिए, हम भी देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी आपका नंबर, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा मैं। तो दोस्तों मैं इनको धन्यवाद करता हूं, और पूरे डब्बा वाला एसोसिएशन को हमारे चैनल की तरफ से मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ और बधाई देता हूं कि इसी प्रकार वो सेवा करते रहें और पूरे मुंबई को खाना खिलाएं, क्योंकि दोस्तों किसी को भी खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर पुण्य का काम कोई नहीं। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आत्माराम जी आए।
जी 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 उनका मुलाकात लिया गया ना? बिल्कुल सबके लिए मैं एक बार लास्ट में क्लोजिंग में भी ले लेता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों आत्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं और शादी में फिर क्लोज करेंगे हम लोग। तो आपने देखा छुटनी भी हमने कैसे कर ली। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पर हम लोग क्लोज करने वाले हैं सर। हमने यहाँ पर पूरा छटनी देखा और मैं जयदा जी को भी मैंने धन्यवाद किया, इन्होंने आपसे मिलवाया। तो आखिर में सर एक बार आप लोग क्या संदेश दे देंगे फिर हम लोग क्लोज कर लेते हैं। आपका सब लोग देखो ये चैनल, आपका चैनल जो है सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और हाँ लाइक भी कीजिए, शेयर करें, घंटी भी बजाइए और शेयर भी कीजिए, बस धन्यवाद। तो दोस्तों मैं जयदास जी को और आत्मा जी को और पूरे डब्बा वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ और इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इसी प्रकार वो काम करें और सभी लोगों को भूखे लोगों को खाना खिलाएं, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग डब्बे वाले अपने मिशन पे निकल चुके हैं और अभी भी इन्होंने लोकल ट्रेन से उतरे हैं और ट्रेन से उतरने के बाद ही यहाँ पर अभी रखने वाले हैं और पूरा छटनी होगी जैसे आप देख सकते हैं और आगे भी एक डब्बे वाले भाई हैं इस प्रकार। अब लाइन से भी डब्बे वाले आते जाएंगे। देख सकते हैं कितनी किस टेक्निक से अभी डब्बा को उतारा जा रहा है और यहाँ पूरे अलग अलग वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन माय टेलीविजन गिफ्ट मुताबिक 113 एंड वी हैव गॉट वेरी स्पेशल फ्रेंड्स अब्रॉड फ्रॉम 7 ओशियन आई बिलीव। फ्रॉम वेयर आर यू मैम? वी आर फ्रॉम फ्रांस। ओह दे आर फ्रॉम फ्रेंच, दे आर फ्रेंच एग्जैक्टली, दे आर फ्रॉम फ्रांस एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू मैम इन माय चैनल #gypsymutafik113। सो मैम प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड देन योर आइडिया अबाउट द डब्बा वाला। Yeah, because I saw you yesterday also, and I'm seeing you today also. Yeah, yeah. We went yesterday to see Dabawala system because it's so surprising for French people. It doesn't exist at home, that kind of system. And yesterday we went to deliver boxes with a Dabawala man. It was so cute, and it's so strange to see so many boxes all around the floor, and then Dabawala takes it and leaves it to. Bringing to the people in their offices. So it's something to see when you are strange, when you are a foreigner. It's really amazing. Ma'am, please add something. The same conclusion, we haven't this system in our country, but maybe now we have an idea to develop it in France. No, it's really amazing, and it was really a great experience to go with a Dabawala. It was very, very nice. And it is a very, very nice concept that people are taking their hygiene food in their office also. They are eating, they are taking food from their home. What is the idea about that? Yes. Because people, what I see in abroad is that they are just depending on the fast food, something like that. I don't know exactly. Please add something about this. People are getting their home food. Yes. So I believe that after seeing this, you are also going to get something like that in your city, something like that. How everybody can follow this? I want your idea. Everybody should follow. Every country should follow this strategy. Yes. It would be better to have food from home. Yeah. Better than fast food or McDonald's or I don't know what. But I think it will be complicated to do the same thing in our country. Because people I don't know if they are going to make food and then to give to the Dabawala system. Okay. It's really different. They are too much busy. That might be the reason, maybe. Yeah, they prefer go to the restaurant. And ma'am, we are seeing the colorful dabbas are there. So what is the idea exactly? How they are just focusing, how they are exactly getting the particular person? What is the idea about it? Did you get to know how that particular box is getting delivered to that particular person? Did you get that idea? What? I really didn't understand. See, there are different sort of
lunch boxes are there. Yeah. And they have to supply to different people. Yeah. Now the most important thing is that they are going to deliver that particular lunch box to that particular right person. Yeah, because... How exactly? Dabawala man explained us yesterday that there is a system with numbers and letters. And he knows exactly which boxes has to go to which offices, to which person. Yesterday we gave the lunchbox exactly to the person who was to eat it. Yeah, that was very interesting and quite exciting also. Yes. And that makes fascinating, and that's why they will call us Six Sigma company, that they are not making any sort of mistake. No, that's incredible. Yeah. Only two mistakes per year, he told us. Yeah. Only two mistakes. It's incredible because there is a lot of boxes everywhere on the floor. And they know how to put it and who they have to bring to. It's amazing. Incredible. And incredible, like India. And the most important thing is that it has been running for more than 140 years, right? From the British, when British were here before independence. So the service has been started from there itself, when we were under the British rule. So they have started from there. It is here about 140 years. Okay. So it is running. So it is quite amazing. Ma'am, please tell me your name. My name is Virginie. And my name is Johan. Okay, I would like to invite ma'am, girl, please. I saw that you were taking pictures also, so please share your idea. My name is Lily. Lily, please share your idea about Dabbawalas. You are with your... She doesn't speak English. Okay. Okay. Yesterday she came with us to the Dabbawala work, and she carried two boxes. Oh. We are the new Dabbawali team. So at least you can share it within France so that people would... Come to know when they are going to see in France, you can share your meaning. Parce qu'il a une chaîne YouTube, il dit que tu peux expliquer en français. Bon, dis juste deux mots et comme ça, il comprend. Ben, ça m'a bien plu, c'était bien, et je trouve que c'était amusant, surtout. C'était bien. Livrer les repas chez les gens comme ça, c'est bien. She said it was funny. And she liked it. Yeah, and when you became Dabbawalas and Dabbawalis, so how did you feel? It was funny. we would not do that every day. Seriously. It seems to be very tiring. Yeah, it was very tiring. But for one day it was funny. Yeah. And the most important thing is what we see, what we came to know, that exactly whether it is in winter, whether it is summer, whether it is rain, they are not stopping their work anyhow. They are not using any sort of raincoat, something like that. They are getting wet and they are just delivering at particular time. That is very amazing. Yeah. So what would you add upon this? Exactly. How tiring and you have been experiencing right now. Today also you are going to experience. So at the end, just please share your views about Dabbawalas to the people all over the world. We really think it couldn't be possible anywhere in the world. Because you have to be very courageous. They are carrying a lot of boxes, very heavy boxes. It's very heavy. Very heavy, and they are walking a lot or by bicycle. And like yes, that. And I think it must be tiring. And in all over the world, in Occidental country, it couldn't be possible. So friends, I would like to thank for their precious time to the friends from France. And I would thank you. Welcome you all. Please do come to India. Thank you. Celebrate all the heritage values are here. Please show that and be a part of India. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. We'll come back. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you, Lily.